कमेटी का जो गठन अभी तक नहीं हो पाया उसका भी मुख्य कारण जो है बीजेपी के पार्षद ही रहे हैं, और 1.5 साल हो गए लगभग हमें पार्षद बने हुए, और आज तक मुझे लगता है कि 1 या 2 बार मुश्किल से उन्होंने सदन लगने दिया है, और हमेशा सदन में मैं मुख्य तौर पे हमेशा लाइव रहती हूँ सदन में, और आप देखते होंगे कि सदन में वो किस तरह से हंगामा करते हैं और सदन को बिल्कुल भी नहीं चलने देते, सदन की मर्यादा को बिल्कुल भंग कर देते हैं, और अब मुझे उम्मीद रखती है कि जल्दी ये जो स्टैंडिंग कमेटी है वो बनेगी। देखिए आप सभी पत्रकार शायद वहाँ मौजूद थे और सबने देखा कि जिस चीज़ के लिए वह मीटिंग रखी गई थी DDA के लिए, DDA के अधिकारी वहाँ मौजूद नहीं थे, तो आप समझ सकते हैं ये कोई जन सुनवाई नहीं थी, ये सिर्फ एक राजनीति थी जिससे जनता को भटकाया जा रहा है। तो मैं सभी जनता से आग्रह करना चाहूँगी कि जिस तरह हम और विधायक जी उनका घेराव करने जा रहे हैं, तो मैं जनता से भी आग्रह करूँगी कि वह हमारा समर्थन करें और VC और सांसद जी के साथ उनके घर का घेराव करें। जो समस्या है वो अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जैसा कि वार्ड में ही नहीं पूरे विधानसभा में जो है अभी मीटर नहीं लग पा रहे, और जिसका सबसे बड़ा कारण है DDA की NOC। आज भी लोग मेरे पास आए थे कि मैडम हमारे मीटर नहीं लग पा रहे हैं और DDA हमसे NOC मांग रहे हैं। आज सिचुएशन ये हो गया कि NOC लाने के बाद भी लोगों के मीटर नहीं लग पा रहे हैं। तो जैसा कि कुछ दिन पहले विधायक जी ने एक वीडियो जाहिर की थी कि उन्होंने VC से मिले थे, और हम जो है इसका पुरजोर विरोध करते हैं, और आने वाले 15 दिनों तक विधायक जी ने टाइम दिया है VC को, अगर VC नहीं सुनते हैं तो हम सब उनके आगे घेराव करेंगे और साथ साथ मनोज तिवारी सांसद जी के भी कार्यालय का घेराव करेंगे। दूसरा, मैं क्षेत्र की जनता को ये कहना चाहूँगा कि जितने बड़े पैमाने पे, जितने बड़े स्केल पे आज के दिन बुराड़ी के अंदर विकास हो रहा है, इतना कभी नहीं हुआ और मुझे नहीं लगता कभी हो पाएगा जितना हमारे विधायक जी कर रहे हैं। और इसी कारण से, क्योंकि विकास बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है, कोई छोटे मोटे स्तर पे नहीं हो रहा है। आपकी सीवर लाइनें बिछ रही हैं, गैस की पाइप लाइनें बिछ रही हैं, पानी की पाइपलाइन बिछ रही है, तो ये सारे काम हो रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे हो रहे हैं। सड़कें बनना, नालियां बनना, गलियां बनना, क्योंकि ये पूरी विधानसभा अनऑथराइज विधानसभा थी, इसके अंदर इतने बड़े पैमाने पे विधायक जी ने काम किए हैं, और जब इतने बड़े पैमाने पे काम हो रहे हैं तो उस वजह से कहीं ना कहीं लोगों को आने जाने में, कहीं सड़क नहीं बनी है, आवाजाही में दिक्कत हो रही है, और अगले 2 से 3 महीने में सब जगह काम कंप्लीट हो जाएगा, और काम बहुत तेजी से चल रहा है इस वक्त सब जगह, चाहे वो मेन रोड की बात हो, गलियों की बात हो, सब जगह काम बहुत तेजी से हो रहा है। विधायक जी खुद निरीक्षण कर रहे हैं, हम सभी पार्षदों को उन्होंने इस काम में लगाया हुआ है, सभी कार्यकर्ताओं को इस काम में लगाया हुआ है, तो पूरी पार्टी के लोग और सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं कि विकास को और तेजी से किया जाए, और जितने भी काम हमने छेड़े हैं वो जल्दी से जल्दी हम पूरे करें ताकि लोगों को समस्याएं कम से कम हो। लगातार अपने अधिकारियों को बोला है कि जिनके भी खाली प्लाट हैं उनको नोटिस दें, और लगातार जो हमारे अधिकारी हैं उन्होंने नोटिस दिए हैं, और उसका रिजल्ट ये हुआ है कि वो खाली प्लॉट या तो उन्होंने बाउंड्री करा ली है या उनका भरान हो गया है, और कई जगह तो इतने पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। एक सत्यविहार में एक प्लॉट था, उसके ऊपर हमने चलान किया, तो चलान होने के बाद उन्होंने बाउंड्री करी, गेट बनाया, और जब वो गेट बन गया, क्योंकि एक वो कूड़े का इतना ज़्यादा कूड़ा था उस प्लॉट में कि मतलब उसमें कूड़ा ही कूड़ा पड़ा रहता था, उससे नालियां वाले सब बंद हो जाते थे। आज आप जाके देखेंगे तो जो उनका प्लॉट किसी काम का नहीं था और वो उनके लिए भी और समाज के लिए दोनों के लिए गंदगी का एक सबब बन गया था, आज उस प्लॉट ने उनको रोजगार दे दिया। वहां पे जो चार्जिंग स्टेशन बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं ऐसे कई सारे प्लॉट हैं जिनको मैं देखता हूँ जो खाली थे और उस आज वो काम में आ रहे हैं, उनके यूज में आ रहे हैं। और इन खाली प्लॉटों से होता ये था कि इनके ऊपर लोग कूड़ा डाल देते थे, बरसात के टाइम में इनमें जल भरा होता था तो कीड़े, डेंगू, मलेरिया और सड़कें खिसक जाना, बहुत तरह की दिक्कतें आती थी केवल इन खाली प्लॉटों से। तो हमने चुनाव में भी वादा किया था कि हम खाली प्लॉटों को ठीक करेंगे, और लगातार जिस दिन से चुनाव जीते हम लगातार उन खाली प्लॉट्स पर काम कर रहे हैं, और धीरे 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 वो सारे प्लॉट ठीक हो रहे हैं, और सब जगह सफाई भी हो रही है, और इसका हमें पॉजिटिव रिजल्ट भी मिल रहा है।